देश और प्रदेश के साथ साथ दिन प्रतिदिन कोरोना के गंभीर मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर में कोविड केयर के लिए उचित संसाधन नहीं है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र चिकित्सालय रिकांगपियो में वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए कोई चिकित्सक नहीं है, साथ ही बिना ऑक्सीजन के इनका कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में अगर किसी कोरोना मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो इसकी भी यहां पर कोई सुविधा नहीं है। प्रतिदिन गंभीर रूप धारण कर रहे हैं और हिमाचल में भी हाल ठीक नहीं है, और हमारा जिला किन्नौर जो एक दूर दराज का इलाका है, शिमला से IMC जो है हमारे हेडक्वार्टर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर कोविड केयर के लिए हमारे पास मुझे लगता है कि ठीक से संसाधन है नहीं। वेंटिलेटर्स को जो हमारे पास आज की तारीख में 4 फंक्शनल बताए जा रहे हैं, उनको चलाने वाला जो एनेस्थीसिस्ट होता है वो है नहीं, तो बगैर एनेस्थीसिस्ट के बिना ऑक्सीजन के इनका कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर किन्नौर में किसी को कोरोना का जो है इसकी जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की, तो यहाँ देने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से रेफर रामपुर करेंगे, रामपुर में भी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ से शिमला भेजेंगे और शिमला जो है ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है। तो हमें जो है एक बात विशेषकर जो किन्नौर में करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो JSW का जो हॉस्पिटल है, यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के लोगों के लिए बना है, ये कोई JSW या JP कंपनी के लिए नहीं बना है, इसमें सारे फैसिलिटीज वहाँ है। इसको तुरंत जो है प्रशासन जो है सरकार जो है इसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दे। हमने ये मांग विधानसभा में भी उठाया था, TSA में भी उठाया और अन्य रूप से उठाते रहे, परंतु मुझे लगता पता नहीं क्यों क्या कारण है कि इसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं। अगर ये हॉस्पिटल हम अगर डेडिकेटेड कोविड केयर के लिए रखते हैं तो वेंटिलेटर वहाँ उपलब्ध है और हम अपने किन्नौर में जो भी इस रोग से ग्रस्त होंगे उनकी जो है बेहतरीन जो है इनकी सेवा, उनकी ट्रीटमेंट हम जिला किन्नौर के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा, आज मैं माने आज जो है हमारे जिलाधीश से भी मिला, उनको भी मैंने ये सुझाव दिया है कि जो हमारा चौरा है, चौरा में कम से कम आर्टिजन टेस्ट जो है, जो हमारे खासकर मजदूर भाई या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर पंजाब से आ रहे हैं, जो लोग बिहार से आ रहे हैं या जो लोग बंगाल से आ रहे हैं या दिल्ली या हरियाणा से आ रहे हैं, उनका जो है वहाँ आर्टिजन टेस्ट कराया जाए, जिसमें 15 मिनट का कुल समय लगता है।